मैं तो खुश हो जाऊंगा कि रिजवान ले लें, क्योंकि उसने काफ़ी मेहनत की है 2021 में, तो उसने काफ़ी अचीवमेंट किए है। उसके हार्ड वर्क और उसका जो क्रिकेट के साथ पैशन है और जो टीम को वो लेके चल रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि रिजवान को मिल जाए वो अवार्ड्स, क्योंकि उसने काफ़ी हेल्प की है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। टाइम है, लेकिन असल में मुझे रेस्ट दिया गया था उसकी तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, और पूरा रेस्ट हो गया। तो अभी मैं जो उनका जैसे प्लान है वीक के हिसाब से ओवर्स है वैसे, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यूज्ड टू हो जाऊँ और PSL के लिए प्रिपेयर ईजी हो जाएगा मेरे लिए। नहीं देखिए, पहला मेरा वो है कि मैं बॉलिंग में ज़्यादा फोकस करूँ, बॉलिंग अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ, और उसके साथ जो ये टीम के लिए चीज़ें होती है बैटिंग वगैरह, तो ये बहुत ज़रूरी होती है, तो इसलिए मैं काम कर रहा हूँ कि और बेहतर हो जाए, इम्प्रूवमेंट आए उसमें, तो इसलिए। हाँ बिल्कुल, तकरीबन 2-3 वीक्स हो गए कि मैंने अभी तक कोई एक्टिविटीज़ नहीं की थी, ना जिम ना बॉलिंग वगैरह, तो अभी उस प्लान के हिसाब से जा रहा हूँ जैसे मैनेजमेंट ने दिया है, तो उसके हिसाब से जा रहा हूँ। वीक के हिसाब से और होते हैं, फिर उसके हिसाब से ट्रेनिंग कितनी करनी है, तो रिकवरी कितनी लेनी है, तो ऐसे जा रहा हूँ कि यूज़ टू हो जाऊँ। और PSL आ रहा है, बड़ा इवेंट है, बैक टू बैक उसमें भी मैचेस हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी उसके लिए तैयार हूँ। नहीं देखिए, लाहौर कलंदर ने काफ़ी अपॉर्चुनिटी दी है यंगस्टर्स को, आई थिंक यंगस्टर को भी चाहिए कि ये इसको अपॉर्चुनिटी को लें, और काफ़ी यंग टैलेंट आ रहा है इस लाहौर कलंदर की एकेडमी से, तो आई थिंक नया अच्छा स्टाफ है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा और फ्रेंचाइज से भी कि वो भी स्टाफ लें, तो लाहौर कलंदर ने प्लेयर्स भी दिए पाकिस्तान को, तो ये इनकी बड़ी अचीवमेंट है। ट्रेनिंग करके कैसा लग रहा है यहाँ पर? अच्छा फील हो रहा है, अभी थोड़ा सा वर्कआउट रहता है वो भी कर लूँ, बस यही मेरा होता है कि मैं परफॉर्मेंसेस करूं पाकिस्तान टीम के लिए जो भी फॉर्मेट हो। ये भी अचीवमेंट है, पाकिस्तान की अचीवमेंट है कि मैं अवार्ड्स में नॉमिनेट हुआ, तो ये मेरे लिए अचीवमेंट है। अब बाकी मिले ना मिले वो मेरे हाथ में है नहीं, बट ये है कि पाकिस्तान को मिले, ये बड़ी बात नहीं। क्यों नहीं, वो दोनों काफ़ी हार्ड वर्कर है। मेरा भी यही था कि शायद मैं टेस्ट में भी आऊँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें नहीं आया, तो मेरी कोशिश है इंशाल्लाह कि अपनी परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव करूँ कि अगले वाले साल में, इस साल में और कैटेगरीज अच्छी रहे। सख्त होगा, ड्राइवे होगी इसमें, सख्त होगा बहुत, सस्ते ना सख्त।